तो यार फाइनली आज मेरा बिजनेस प्लान तैयार हो चुका है और अब मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इस बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वेबसाइट चाहिए। लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वेबसाइट बनेगी कैसे, मुझे इतनी तो कोई नॉलेज है नहीं और ना ही मैं किसी ऐसे को जानता जो वेबसाइट बना दे, तो मुझे करना क्या चाहिए। हेलो, हाँ जी सर, वेबसाइट बनवानी थी, क्या चार्जेस आ जाएगा, क्या कॉस्ट आ जाएगा? मुझे नहीं पता इतना। ओके ठीक है, 2 महीने लगेंगे। ओके सर, ओके। इस प्लान को मैं बाद में एग्जीक्यूट करूंगा, एक काम करता हूँ, मैं कोई और काम करता हूँ जिसमें वेबसाइट की जरूरत ही ना हो। आपने देखा कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है और वो कुछ काम स्टार्ट करना चाहता है लेकिन किसी वजह से भी पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास उस चीज की नॉलेज नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर चीज की नॉलेज। तो आज मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो वेबसाइट के लिए है, WDDC फ्रेमवर्क, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट क्लियरिटी फ्रेमवर्क, जिससे आपको व्हाई, व्हाट और हाउ क्लियर होने वाला है वेबसाइट के बारे में। अगर आप देखो कोई भी बिजनेस करते हो या शुरू करने वाले हो तो ये फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हम एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें वेबसाइट के बारे में आपको हर एक चीज पता चल जाएगी, आपका हर डाउट कि आपकी वेबसाइट में ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, आपको क्या यूज करना है, कैसे चलना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। क्या होता है ना, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, तो इसको ना सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ये आपके बहुत हेल्प में आने वाला है। और सिर्फ मोटिव ही यही है कि आपको हेल्प आउट करा जाए, आपको बताया जाए कि किस तरीके से चीजें हो रही है मार्केट में, क्या फ्रॉड चल रहे हैं, कैसे आप बच सकते हो। वाई की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपको वेबसाइट क्यों चाहिए, मेन बात ये है कि आपको चाहिए, पहले आपको ये तो क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी ऑडियंस से एक तो ट्रस्ट जनरेट हो जाए जो आपके कस्टमर है, दूसरा है कि आपकी जो बेसिक नीड है, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस 24/7 ऑनलाइन आ सकता है अगर आप वेबसाइट बनवाते हैं, तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप वेबसाइट बनवा के पहले आप अपना वाई चेक करिए, मे बी पॉसिबल आपका वाई कुछ और हो सकता है। कमिंग ऑन द व्हाट एंड फर्स्ट वन इज द कंटेंट। कंटेंट क्या है, कंटेंट आपकी वेबसाइट पे जो जो कंटेंट पढ़ने वाला है, जो जो आप अपनी ऑडियंस को बताने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। डोमेन, होस्टिंग, सिक्योरिटी, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए इसका एक्सेस। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जिससे वेबसाइट बनवा रहे हैं उसी के पास ये सारी चीजें रहने देते हैं, फिर उनको बाद में प्रॉब्लम्स होने लगती है। कई प्लेटफॉर्म आपका है, आपको ये सब चीजें अपने पास एक्सेस में रखनी है। फिर आपकी आ जाती है जब आपने कंटेंट वगैरह सारी चीजें तैयार कर ली, उसके बाद आपका आ जाता है रिक्वायरमेंट्स। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मे बी पॉसिबल आपको कुछ बैकएंड का कुछ वर्क चाहिए अपनी वेबसाइट में, कुछ डेटा कलेक्ट करना है, या आपका हो सकता है बेसिक एक नॉर्मल सी वेबसाइट आपको चाहिए, या फिर हो सकता है आपको अपने कस्टमर की लीड्स जनरेट करनी है। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट का वर्क शुरू करवाने से। फिर आ जाता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस इज ऑल अबाउट कि आपका यूजर का जो एक्सपीरियंस है, आपका जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहने वाला है, वो आपको चेक करना है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस आप अपने यूजर को देना चाहते हैं। आपके जैसा जो बिजनेस करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर जाइए, देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी वेबसाइट बना रखी है और कैसे आप उनसे बैटल कर सकते हो। तो आपको जो फ्री टेम्पलेट्स होते हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, फ्री वेबसाइट टेम्पलेट फॉर ई कॉमर्स, फ्री वेबसाइट टेम्पलेट फॉर रेस्टोरेंट, और जो पसंद हो वो आप बनवा सकते हो। फिर आता है वेब मेंटेनेंस। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो उसको मेंटेन कौन करता है, कैसे वो मेंटेन होगी, क्योंकि ऑनलाइन चल रही है यार, कुछ ना कुछ बग आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और अगर आपका ये सॉर्ट आउट नहीं होगा स्टार्टिंग में ही तो आप इसी में फंसे रह जाओगे। पता चला आपने बिजनेस शुरू करा और उधर कुछ बग आ गया और वेबसाइट बंद हो गई, तो आपको ये सब चीजें क्लियर आउट रखनी है। व्हाट एंड व्हाई आपका क्लियर हो गया, अब हम बात कर लेते हैं हाउ की। तो इसके देखो 4 तरीके हैं। पहला क्या है कि आप खुद भी बना सकते हो, थोड़ा सा भी टेक्निकल साउंड हो तो आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं आएगा, लेकिन यह है कि हाँ आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब वगैरह से देख के बना सकते हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसर की, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रीलांसर का मतलब ये है कि आप किसी को हायर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर बंदे को आप अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हो और वो आपको उस पर काम करके देगा, ठीक है, ये भी चीज अच्छी है। स्टार्टिंग में लोग, बहुत सारे लोग यही करते हैं जिसके पास ज्यादा बजट नहीं होता या जिसको ये लग रहा होता है कि ये काम चलेगा नहीं चलेगा, तो एक फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स देखो ये आती हैं,
फ्रीलांसर कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि फ्रीलांसर आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो आपके जो डेडलाइंस होते हैं ना उसको टाइम पे अगर वो मे बी पॉसिबल ना दे पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फ्रीलांसर एक जैसे होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में हमने अपने एक्सपीरियंस में ये सब चीजें देखी है, तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फिर आ जाता है थर्ड पार्टीज प्लेटफॉर्म। देखिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज प्लेटफॉर्म, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल गोडैडी भी दे रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जो आपका प्लेटफॉर्म रेडी करके दे रहा है, लेकिन वो आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स को नहीं करके देंगे, वो एक उनका स्टैंडर्ड वे है, उसमें वो आपकी एक पोर्टफोलियो टाइप की या ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट आपको दे सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है असाइन योर वर्क टू द प्रोफेशनल टीम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप अपना वर्क जो है एक कंपनी को असाइन करते हैं जहाँ पे वो टाइम टू टाइम माइलस्टोन के साथ आपको वर्क डिलीवर करेगी। दिस कैन बी द फोर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, आपका वाई, आपका व्हाट और आपका हाउ, कि आप कैसे करोगे। आप खुद भी कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो, फ्रीलांसर को भी देख सकते हो, फ्रीलांसर आपको अपवर्क, फाइवर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। थर्ड पार्टी आपको मैंने बताई नहीं, विक्स वगैरह हो गया, और अगर आपको एजेंसी को वर्क देना है जो एक पर्टिकुलरली एज अ टीम काम करते हैं, जिसका जो काम है, जो जिसमें प्रोफेशनल है वो वही काम करता है, तो आप एक एजेंसी के पास जा सकते हो। तो गाइस क्विक अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप सब जानते हो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और वेब डेवलपमेंट आईटी डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, तो हम लोगों ने अभी दो पैकेज लॉन्च करे हैं जिसमें हम आपका ओवरऑल सब कुछ कवर अप कर रहे हैं, आपका वेब डेवलपमेंट से लेके आपका आपका डिजिटल मार्केटिंग 360 पूरा कवर कर रहे हैं। अगर आपको और डिटेल जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, आप वहां से जाके हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम और कुछ डिस्कस करने वाले वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।